हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो निकल रहे हैं अभी हम बाहर, हम जा रहे हैं आज विंटर वंडरलैंड, जो कि विंटर में विंटर का एक स्पेशल अट्रैक्शन है। हमारा फर्स्ट टाइम है, जाएंगे इस बार। तो हस्बैंड ने टिकट्स वगैरह पहले से ही बुक करके रखे थे, तो और आज का दिन काफ़ी अच्छा है, मतलब दूसरे दिन के कंपैरिजन में ये वीक अच्छा ही रहेगा। इस वीक का टेम्परेचर भी ठीक है, तो आज बारिश नहीं है सबसे बड़ी बात है, क्योंकि 2-3 दिन से कंटिन्यूअस बारिश भी हो रही थी, तो सब कुछ ठीक है, मतलब वेदर भी ठीक ठाक है, थोड़ा सा सनी भी है। और मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है अभी देखने में, क्योंकि लास्ट 5-6 डेज से मेरे इस आई में एक इन्फेक्शन हुआ है, तो अभी जस्ट डॉक्टर दिखा के आ रही हूँ, तो चेकअप वगैरह किया तो ये इन्फ्लेमेशन हो गई है और आई ड्रॉप दिए हैं, तो अभी जस्ट मैंने आई ड्रॉप दिया तो थोड़ा सा पानी निकल रहा है। तो हम ट्रेन से जा रहे हैं और जाने में ऑलमोस्ट 30 मिनट्स टाइम लगेगा, तो ठीक है चलिए वहाँ पे जाके मिलते हैं। और हमारे साथ साथ आप भी इस ब्लॉग को इंजॉय कीजिए, ब्लॉग को देखते रहिए, काफ़ी कुछ है वहाँ पे शेयर करने के लिए। तो जस्ट अभी उतरे हैं और इस स्टेशन का नाम है बॉन्ड स्ट्रीट, और अभी बाय वॉक टाइम लगेगा 10 मिनट्स। तो पहुंच गए हैं हम फाइनली विंटर वंडरलैंड, तो यहाँ से थोड़ा बहुत दिख रहा है, अभी रोड क्रॉस करके हम जाएंगे वहाँ पे। तो हम एंटर कर चुके हैं और मेनली विंटर वंडरलैंड का जो है मैक्सिमम है राइड्स, तो यहाँ पे मेनली है राइड्स और क्रिसमस मार्केट भी है एक, तो राइड्स वगैरह करने के बाद अगर टाइम रहेगा तो हम क्रिसमस मार्केट भी जाएंगे। क्रिसमस मार्केट इसके अंदर ही है और अभी है एंट्रेंस, एंटर कर रहे हैं हम। स्टार्ट हो गई है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइड्स है यहाँ पे। और शॉप्स में भी मेनली सब कुछ विंटर कलेक्शन ही है, विंटर वेयर्स ही है, छोटे छोटे शॉप्स बने हुए हैं साइड में। काफ़ी ज़्यादा भीड़ है आज, क्योंकि जैसे मैंने कहा था आज वेदर अच्छा है, तो इसलिए आज का दिन मतलब सच में आइडल है घूमने जाने के लिए। और विंटर वंडरलैंड में वैसे भी रहती ही है, तो अभी सोच रहे हैं कुछ खा लें, क्योंकि भूख भी लग गई है। और मॉर्निंग से जैसे हम निकले हैं, डॉक्टर के पास भी गए थे, वहाँ पर काफ़ी टाइम लगा, तो अभी कुछ लाइट खा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं राइस वगैरह करके फिर हैवी कुछ खाएंगे। अभी ट्राई नहीं किया, तो हमारे एक फ्रेंड ने रिकमेंड किया है कि इसको ट्राई करने के लिए। तो ये हम आ गए हैं एक अलग साइड में, बच्चों के ही राइड्स हैं। ये है आइस स्लाइड, काफी ज्यादा भीड़ है यहाँ पे। ये एक्चुअली पहले सोचा था करने के लिए, काफी ज्यादा भीड़ है यहाँ पे। तो अभी हम आए हैं आइस स्लाइड में, इसके एक्चुअली टिकट हमने बुक किया था, तो
हमने तो रोहन के लिए बुक किया था, अब देखते हैं ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि रोहन के लिए ये, मतलब रोहन थोड़ा छोटा होगा इसके लिए, तो अंदर जाके देखते हैं। लेकिन काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। रोहन रेडी हो गया है, आर यू रेडी रोहन? तो ये आई कार्ड दे दिया है, और वहाँ से अभी हमें लेना पड़ेगा हेलमेट। सो यू रेडी टू गो? तो रोहन तो गया है वहाँ पे, हम यहीं पे वेट कर रहे हैं, यहीं पे देखेंगे। इनिशियली थोड़ा सा नर्वस लग रहा था वो, क्योंकि हमें भी नहीं पता था कि अकेले पूरा जाना पड़ेगा, और भी काफी लोग हैं। वो जा रहा है, वो वहाँ पे है रोहन। फाइनली हुआ है, एंजॉय तो किया है उसने बहुत, तो काफी देर तक वहीं पे थे, लाइन काफी लंबा था। तो रोहन एक्सपीरियंस कैसा था? टू स्लाइड्स है, वन टिकट में टू स्लाइड, तो फर्स्ट टाइम है उसका। फर्स्ट टाइम थोड़ा सा नर्वस था, लेकिन सेकंड टाइम ठीक है। तो हम उसके बाद हमने कुछ फोटोज, क्योंकि फोटो पहले क्लिक किए थे, तो हमने कुछ फोटोज लिए हैं। फोटो बुकलेट होती है, तो बैकग्राउंड चेंज करके अलग अलग बैकग्राउंड में फोटोज, तो अलग अलग बैकग्राउंड में वो लोग फोटो बनाते हैं, तो वो हमने लिया है। तो अभी देखेंगे, कुछ खाएंगे, क्योंकि उस टाइम पे हमने कुछ नहीं लिया, रोहन के लिए एक ट्रिप लिया था। देखते हैं उसके बाद कहाँ जाते हैं। ये है एक आइस माउंटेन, अंदर राइड्स है। Which one you would like to have in those three? This one? This one, do you already have it, Rohan? You have, no? You already have it. Try this, yeah. This else, right? Oh, thank you. Thank you. Kya jeeta Rohan? Dikhao. फाइनली हमने लिया है एक चुरोस, ये है। पता नहीं शायद राइड्स की वजह से ही, क्योंकि यहाँ पे जितने भी राइड्स हैं सब आइस रिलेटेड है अंदर, क्योंकि उन्होंने ऐसा ही एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है। तो ये वाला जो जगह है एक्सट्रीमली, मतलब ठंड लग रही है यहाँ पे, फ्रीजिंग कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी है।
अब ये टेम्परेचर ऐसा है या फिर इस जगह पे ऐसा लग रहा है, ये पता नहीं चल रहा। काफ़ी डेंजरस सारे राइड्स हैं, हमारे लिए ये नहीं है क्योंकि हम उतना ज़्यादा राइड पर्सन नहीं है। कुछ दो तीन राइड्स मिथुन ने बुक किए हैं तो वहीं पे जाएंगे, जो फैमिली के विद फैमिली के साथ जा सकते हैं। और एक राइड मेरी आते वक्त एक फ्रेंड से मिले तो उसने कहा वो राइड एक जाइंट व्हील जो है वो स्पीड काफ़ी। ऐसे राइड्स देख के ही डर लगता है। ठीक है, अभी बाप रे बाप। तो अभी जस्ट चुरोस फिनिश किया, अच्छा था खाने में, फ्राइड है ये और ज़्यादा स्वीट नहीं है, मतलब ठीक है, अच्छा है। और ऊपर से दो ऑप्शन थे, एक आइसिंग शुगर और एक सिनेमन पाउडर, तो हमने आइसिंग शुगर लिया था तो अच्छा ही लगा। इतना ज़्यादा अभी ना एक्चुअली यहाँ पे देख रही हूँ थोड़ा सा कॉस्टली है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। एक देखा था पिज़्ज़ा, एक स्लाइस पिज़्ज़ा 5 pounds 5.50, तो काफ़ी कॉस्टली है। तो देखते हैं, ऐसे बीच बीच पे कुछ मिलता है तो लेंगे। ये वाला राइड करेंगे अभी रोहन और मिथुन, ये अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग सी राइड है। तो ये वाला जो गेम है ये रोहन को काफी देर से करना था, पहले हमने मना कर दिया, उसके बाद कहा ठीक है चलो। तो ये व्हील्स है, व्हील के बीच में होल्स है, तो वाटर जेट से उस होल में वो पानी पास करना है जितने, और एक टाइम लिमिट रहेगा, तो टाइम लिमिट के अंदर जो जितने स्पीड से कर पाएगा। और सबके ऊपर ऐसे टॉयज, सॉफ्ट टॉयज टंगे हुए हैं, वो पानी के फोर्स से सॉफ्ट टॉयज ऊपर जाएगा, तो जो जितना फास्ट कर पाएगा उसका सॉफ्ट टॉय उतना ज़्यादा ऊपर जाएगा। तो रोहन ने भी किया लेकिन हाँ विन नहीं कर पाया। चलो ठीक है, एक एक्सपीरियंस हुआ है ना। ऑल द बेस्ट।
Good shot. No worries. काफ़ी सारे गेम्स है यहाँ पे. एक मैंने भी ट्राई किया, नहीं हुआ. मतलब वो सारे कैंस को, सारी टीम्स को नीचे फेंकना था तो वो हुआ नहीं. काफ़ी गेम्स है. अभी हम कुछ राइड्स देखेंगे क्योंकि जो ऑलरेडी बुक है वो उस राइड्स पे जाएंगे और इवनिंग हो भी चुकी है. स्टार्ट करो. हाँ देखो कौनटा नेबे, कौनटा भेबे नाओ, एकटा गेस. What is it? तो अभी जस्ट और एक गेम खेला. ये एक्चुअली इन दोनों ने काफ़ी इंसिस्ट किया तो उसमें मैंने ये जीता है. बहुत ही क्यूट सा एक पेंगुइन है स्पेशली रोहन के लिए. तो ये है, चलो कुछ तो मिला फाइनली. All right, okay. फाइनली हमें एक नूडल्स का शॉप मिल गया, वहीं से हमने ले लिया था नूडल्स और अभी एकदम फुल है. मतलब काफ़ी अच्छा था, टेस्ट में भी काफ़ी अच्छा था. अभी हम राइड्स जाएंगे. अभी तक हम राइड्स चढ़ नहीं पाए तो अभी जाएंगे राइड्स पे. और एक हॉन्टेड हाउस अभी मैंने दिखाया था, वहाँ पे भी जाने का प्लान था, गए नहीं क्योंकि बहुत लंबा लाइन था इसलिए वहाँ पे नहीं गए. तो देखते हैं जो राइड्स ऑलरेडी बुक है उसी पे जाएंगे. इस वाले राइड में हम जाएंगे अभी, है ना. तो ये है क्रिसमस ट्री राइड. ये फैमिली राइड्स तो दूसरी में ही जाएंगे, कुछ नहीं. इसमें भी काफ़ी लाइन है लेकिन मैं सोचा था शायद इसमें लाइन नहीं होगा, हम ही फर्स्ट होंगे, लेकिन नहीं, सारे फैमिली है, लाइन भी है यहाँ पे. हम तीनों के लिए यही ठीक है, सिंपल. तो हमारी फर्स्ट राइड तो कंप्लीट हो चुकी है. हंसते हंसते हालत खराब. तो जो मतलब इस पूरे विंटर वंडरलैंड का जो भी स्लो राइड्स है वो हमने बुक किया है तो ये उसी में एक था. और एक अभी ट्रेन पे हम जाएंगे तो उसके
बाद जाइंट व्हील में जाने का मन तो है, देखते हैं, क्योंकि अभी टाइम भी हो रहा है, 5 बज चुके हैं। वही सबसे स्लो है इसका, जाइंट व्हील का। तो नेक्स्ट फ्राइडे हमारा, इसका नाम है सेंटा ट्रेन एक्सप्रेस। चुकी है, अभी सोच रही हूँ कि ये वाले राइड जाने के लिए देखती है। इसमें 2 पर्सन ही जा सकते, 3 जन नहीं जा सकते। सब राइस हो गया है कंप्लीट फाइनली। अभी जो सोच के रखा था जाइंट व्हील, तो वहाँ पे आए हैं, लेकिन यहाँ की जो क्यू है बहुत बहुत बड़ी सी क्यू है, और धीरे धीरे अभी ठंड भी बढ़ रही है, काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गई है। ये है जाइंट व्हील सिटी स्टार। ये है लाइन। घर आ गए हैं, 1/2 आवर हुआ है, और बहुत अच्छा था आज का दिन, एकदम फुल्ली इंजॉय किया हमने। तो जो जो भी शेयर किया मैंने आपसे, वही राइड्स हम चले। और लास्ट, जैसे मैंने कहा था कि एक जो राइड है जाइंट व्हील, तो उस पर चढ़ने का हमने प्लान बनाया था कि उस पर जाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे। तो हमने पूछा था वहाँ पे, तो उन लोगों ने कहा कि 15-20 मिनट्स अगर वेट करेंगे तो हो जाएगा। तो लाइन के वहाँ पे जाने के बाद हमें पता चला कि जो वो लाइन है वो ऑलरेडी एडवांस बुकिंग की है, मतलब पहले से ही वो लोग बुक करके रखे थे। तो उस टाइम पे अगर हम टिकट बुक करके जाते तो हमें 2 आवर्स और वेट करना पड़ता, तो इसलिए चले आए हम वहाँ से। उसके बाद तो बस चले आए, और बहुत अच्छा रहा आज का दिन सच में। विंटर वंडरलैंड बहुत ही फेमस है, तो सोचा कि इस बार चलो होके आते हैं, काफ़ी अच्छा था। तो आई होप कि आपने भी हमारे साथ एकदम अच्छे से इंजॉय किया है। और ये कुछ कुछ स्पेशल चीज़ें हैं जो स्पेशल टाइम में ही होती है। तो ठीक है, चलिए ये व्लॉग तो मैं यहीं पेंड कर रही हूँ, नेक्स्ट व्लॉग या वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलूंगी। तो आप सब अपना अपना ध्यान रखना और एकदम अच्छे से रहना। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।